मेगा मून रॉकेट नासा का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें वो 3 बार कंटिन्यूअसली फेल हो चुका है, लेकिन नासा है कि मान ही नहीं रहा, वो एक बार फिर इसे लॉन्च करने की तैयारी में जुट गया है। हालांकि 3 बार के फेलियर के बाद नासा ने इसे अभी के लिए लॉन्च पैड से हटा लिया है ताकि इसकी मरम्मत की जा सके। नासा पूरी प्लानिंग में है कि इसे जून तक दोबारा स्लॉट मिल सके और इसकी सफल लॉन्चिंग हो सके। ऐसे में आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार ये मेगा मून रॉकेट क्या है और ये मेगा मून रॉकेट प्रोजेक्ट नासा के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो आपको बता दें, मेगा मून रॉकेट या कहें कि स्पेस लॉन्च सिस्टम एक ऐसा रोवर है जो एस्ट्रोनॉट्स को चांद और मंगल की धरती पर उतारने का काम करेगा, जो कि अपने आप में पहला प्रोजेक्ट है। लेकिन नासा अब तक इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण नहीं कर पाया है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस मेगा मून रॉकेट के हीलियम चेन वॉल में समस्या थी। इसके साथ ही लिक्विड हाइड्रोजन सेक्शन में भी रिसाव हो रहा था, जिस पर अब नासा ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। इस रॉकेट की सफलता के बाद नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को उस पर बिठाकर काफी कम समय में सीधे चांद और मंगल की धरती पर उतार सकेगा। ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाली वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें आज तक के साथ।